तो सो so फ्रेंड्स आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब ये जाने के बाद दिखाएंगे पार्टी में जा रहे हैं इंजॉय करने एक शादी का हम लोगों का वो मिला है इन्विटेशन वैसे तो वो बुआ की फ्रेंड भी है <laughs> तो ऐसा मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे वैसे तो, तो मेरे सब फ्रेंड है ऐसा कोई है नहीं कौन सा फ्रेंड कौन फ्रेंड नहीं है हाँ। हम सबको फ्रेंड बना के रखते हैं तो ऐसा मौका मिला तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी ना जाए इंजॉय करें थोड़ा मस्ती मजाक देख के आए और बहुत अच्छी लग रही हो तुम हुँ, हुँ। तो में वो तो कमेंट में पता चलेगा कि हम कैसे लग रहे हैं कोई नहीं कमेंट करता तो कमेंट चोर है सब कमेंट चोर अभी गंदा गंदा कमेंट किसी को बोल दो करने को तो बहुत तेज है पर अच्छा कमेंट नहीं करते कोई नहीं करता कमेंट और पता है इसी वजह से लग रहा है ये लोग नहीं करते होंगे कि कमेंट से भी पैसा आता है तो हम दोनों बड़े हो जाएंगे पैसे से इन लोग के पैसे से उसी समीर हो जाएंगे। हाँ, इस वजह से आप लोग कमेंट नहीं करते ना मुझे समझ आ गया कमेंट करते हैं सब लोग तो पता चलता है कि कैसा वीडियो हाँ। बनाया कैसे लगा मतलब हाँ। कौन हमारी वीडियो देखते हैं ये भी पता चलता है कि दो तीन हमारे भाई हैं नाम नहीं लूँगी नहीं तो जिसका नाम नहीं लूँगी उनको बुरा लगेगा कि हमारा नहीं लेती है तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप मेरी इतना विस्तार से वीडियो देखते हैं और इतना अच्छे से छोटी छोटी बातों का कमेंट करते हैं दिल सच में देख के दिल खुश हो जाता है अच्छा लगता है कोई कमेंट करता है तो मतलब समझ में भी आता है कि हमने जो बोला किसी को बुरा तो नहीं लगा बुरा नहीं लगा और कैसे रहे इतनी बारीकी से वीडियो देखे हैं मतलब पूरी बातों पे गौर किए हैं अमल किया गया है हमारी बातों को तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जब पहुंचेंगे तब दिखा कुछ आइटम खाने के बाद मिलते हैं लेकिन हो सकता है खाते समय भी मिल सकते हैं लेकिन वहाँ थोड़ा इशू रहता है लोग देखते हैं तो अनकम्फर्टेबल हम लोग बनाने में हो जाते हैं तो जहाँ तक होगा दिखाएंगे नहीं तो घर आने के बाद ही दिखाएंगे और ये है हमारा बुआ का लुक बड़े प्यारे लग हम लोग बारात तो गए बट हाँ शादी में गए थे बट हाँ वीडियो नहीं शूट कर पाए अरे यार अनकंफर्टेबल लगता है लोग तुम्हें देखे जाएंगे जैसे अलग ही लगता है और वैसे भी खाओ और नाश्ता करने के बाद हम लोग को टाइम ही नहीं मिला और इतने सारे लोग थे भैया हम ये नहीं चाहते कि हमारे सिवा कोई और आए वीडियो में ऐसा नहीं, नहीं कि हम इस वजह से नहीं कि हम नहीं लेके आएंगे भाई सबकी प्राइवेसी है तो कहें कि सबकी प्राइवेसी तो है। सब लोग सांस्कारिक हैं किसी को पसंद आए वीडियो माना किसी को नहीं तो हम किसी को नहीं लेना चाहते अगर भाई गलती से कोई आ गया तो आ गया बट हाँ इतना तो केयर हम करते हैं कि अपने पीछे देख के अब भाई गलती आप आपकी भी सेफ्टी होना चाहिए आप अपने आप को भी सेफ्टी रख सकते हैं कि हाँ वीडियो चल रही है तो वहाँ पे ना जाए कुछ लोग आना जाना लगाए रहते हैं तो जो आना चाहते हैं ठीक है वेलकम है हमारी वीडियो में जो नहीं आना चाहते हैं तो उनके हम स्किप कर देते हैं तो इस वजह से हम लोग वीडियो ब्लॉग नहीं शूट कर पाए वैसे बैठे थे और कुछ लेडीज़ों का ये कारनामा है कि ऐसे देखेंगे तुम्हें जैसे कभी देखी नहीं है वैसे भी कभी कौन देखता है बस वीडियो के माध्यम से जो लोग देखते होंगे कभी शादी ब्याह में कहीं फंक्शन हुआ इवेंट हुआ तो वहाँ हम लोग जाते हैं तो वहीं देखते हैं तो शायद इस वजह से भी देखते होंगे इस आ, को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बट हाँ कोई देखने का तरीका होता है अलग ही तरीका होना चाहिए वो ऐसे देखेंगी जब तुम ऐसे देख लो ना फिर ऐसे मुड़ी उगा ले अरे देखना है तो भर नज़र देख लो देख लो भर नज़र एक बार देख लो हजारों बार क्यों देखती हूँ ऐसा ऐसा होता है ये है हाँ एक रिवाज हमें ये नहीं अच्छा लगता है यहाँ पे कि आ, जैसे नाश्ता पहले तो भैया द्वार पूजा लगा उसके बाद शादी बैठ शादी नहीं बैठी नाश्ता खाना खाना चालू हो गया और अगर बराती और घराती या लेडी चार दो चार ना रहे तो जयमाल किस काम का अकेले पर वही फैमिली बजते हैं फैमिली देखते हैं जयमाल मैं तो मेरा मानना है भैया जयमाल ही बंद कर दे क्या करे कोई देखने वाला नहीं रहता औ, और औरतें लोग जाएंगी तो जैसे हमारा कहना है कि कहीं जाओ तो संतुष्ट होके जाओ वहाँ हलाकान हलाकान नहीं करना चाहिए हम जो कि वैसे ही रहते हैं हला, हला 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 चलो 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 नहीं भैया जहाँ गए हैं वहाँ अच्छे से संतुष्ट होकर इंजॉय करेंगे उसके बाद अपने घर आएंगे मेरा ये कहना है मेरा ये मानना है मैं ये चाहती भी हूँ तो यही सबसे यही हमारी रहती है इच्छा कि हाँ सब लोग ऐसा करें लेकिन पता नहीं क्यों वो, बस वही नाश्ते पे लोग लगे रहेंगे नाश्ता हुआ खाना हुआ बस कुछ लोग तो नाश्ता की ही चल देती हैं कि बिन खाना का चलो इच्छा नहीं है नाश्ता नहीं करना का इच्छा नहीं है खाना खाने का चलिए ठीक है आप मत खाइए मत नाश्ता करिए कोई फोर्स नहीं है बट हाँ इतना तो कर सकते हैं कि हाँ भैया इतना पैसा करके जयमाल कर रहे हैं तो वहाँ होना चाहिए बस क्या वही फैमिली जो जिसके यहाँ रिश्तेदार हैं तो भैया है कुछ थाम ले रहे हैं रिश्तेदार का औरतें आ जा रही हैं नहीं तो भाई बराती लोग भी जले जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि ऐसा करें इधर जयमाल द्वार पूजा लगवा दें उसके बाद नाश्ता चालू कर दे और इधर जैसे द्वार पूजा लगाए उसे दुल्हा दुल्हन को चढ़ा दे स्टेज पर अपने सब साथ में होते रहे लेकिन नहीं पता नहीं कैसे लोग सब कुछ कर लेंगे उसके बाद सब कुछ व्यवस्थित कर लेंगे उसके बाद फिर दुल्हन निकालेंगे आराम से लेके जाएंगे भाई लोग अब तो पिछौरी हो गए ऐसे लेके जाते हैं भाई लोग परेशान रहते हैं तो तैयार होंगे उसके बाद बहन निकलेंगी तो ऐसा सब रहता है भैया इससे अच्छा है कि भैया जैसे इतना खर्चा कर रहे हो वैसे ट्रैक्टर्स वाले कर दो वो लोग ये जो सोच थी दोस्तों वो सब हम आप सबसे बताए हैं अगर मेरी बात कोई बुरी लगी आप सबको तो दिल से सॉरी वेरी वेरी सॉरी क्योंकि ये मेरी सुझाव मेरा सुझाव था और मेरी सलाह थी अब भाई सब अपने हिसाब से करेंगे कोई मेरे हिसाब से नहीं करने वाला है जैसा जिसको पॉसिबल रहेगा वैसा करेगा ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से ही करे लेकिन मैं अपनी सलाह दे रही थी जो मैं सोचती हूँ वो बताई हूँ ऐसा नहीं है सब लोग ऐसा ही करें जैसा जिसको अच्छा लगे भैया वैसा करें तो चलिए मैं वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा बाय बाय